नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबर आई है। ड्रग इंस्पेक्टर की 19 वैकेंसीज आई है पब्लिक सर्विस कमीशन में। रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की 32 वैकेंसीज आई हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। तो ये जो लिंक है ये हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पे जाके आप इस पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है, इसकी भी जो URL है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहां पे आप इस पेज पे लोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाके pharmatutor.org पर जाना है आपको, और वहां पर जॉब वाले पेज पर जाना है, और वहां पर आप जब क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे, इस 19 पोस्ट वाले पेज पे आप आ जाओगे। तो दोस्तों, इस जॉब की डिटेल में जाने से पहले जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर वीडियो नए नए डालते हैं तो वो आपको उनकी जो डिटेल्स है वो आपके तक तुरंत पहुंचे, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई वीडियोस की, कई जॉब्स की लास्ट डेट काफी नजदीक होती है। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आया हुआ है फार्मेसी के लिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये उत्तराखंड में आया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। पे स्केल जो है वो पे लेवल 7 है, जो 44,000 से लेकर 1,42,000 तक आपकी सैलरी रह सकती है इस स्केल में। और न्यू पेंशन स्कीम में ये परमानेंट जॉब है ग्रुप सी, तो ये याद रखिए कि ये परमानेंट जॉब है। और जनरली जो ड्रग इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट होते हैं वो परमानेंट बेसिस के ही होते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ। यानी कि मोटा मोटी अगर हम अगर देखें तो डिग्री इन फार्मेसी यानी कि बीफार्म के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इस जॉब में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं शायद, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में कम से कम 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर द रूल, पर इस रिक्रूटमेंट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिफरेंस किसको दिया जाएगा, तो जो कैंडिडेट आर्मी में है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस है, या तो फिर बी और सी सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट का, तो उन लोगों को प्रिफरेंस दिया जाएगा इन रिक्रूटमेंट के लिए। एज लिमिट जो है वो 21 से लेकर 42 इयर्स तक की है, और आपकी जो लास्ट डेट है, जो ये एज लिमिट की जो डेट है, तो दोस्तों जो क्रूशियल डेट है जो एज कैलकुलेशन की इन सारी पोस्ट के लिए, तो जो July 1, 2023 मतलब कि July 1 तक आपकी जो एज है वो या तो मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए या मैक्सिमम एज लिमिट से कम होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और रिलैक्सेशन जो रहेगा इस जॉब में वो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रहेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है वो उसके हिसाब से, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस रिक्रूटमेंट में वो ये है कि सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया हो। तो मोटा मोटी अगर हम समझते हैं तो बाहर के कैंडिडेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स उत्तराखंड में सर्विसेज दे रहे हैं और वो बाहर से पढ़े तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको समझने हैं, और इन सारी जो डिटेल्स है इस पूरे रिक्रूटमेंट की, बहुत बड़ी डिटेल्स है, वो सारी हिंदी में पब्लिश हुई है, तो वो हिंदी में जो पब्लिश हुई है वही फाइनल रहेगी। और वो जो रिक्रूटमेंट की जो डिटेल्स है वो हमने इस पेज के लास्ट में उसको लिंकिफाई किया है, जहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, वो सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, और वो आपको आपके साथ ही रखनी है,
एट द एंड जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा खत्म नहीं होता तब तक फीस जो है वो काफी नॉमिनल फीस है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 172 रुपीज यानी कि 172 और जो शेड्यूल कास्ट और एसटी के लिए 82 रुपीज है। तो ये बेसिक डिटेल्स है फीस के बारे में और उसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स दी गई है इस जॉब की जो आप इस पेज में जाकर उसको पढ़ना है ठीक है उसके बाद ही अप्लाई करना है। छोटी से छोटी चीज भी इम्पोर्टेंट है और जनरली इंडियन सिटीजन होना चाहिए नेशनलिटी का जो भी अपने गवर्नमेंट्स के रूल है उसके हिसाब से ये सारी डिटेल्स उसमें डाली गई है। अब जो सिलेक्शन होगा वो दो तरीके से होगा। एक की स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगी यानी कि रिटन एग्जाम ली जाएगी जो 200 मार्क्स की रहेगी और जिसका टाइम पीरियड रहेगा 3 घंटे और उसके बाद रहेगा इंटरव्यू जिसके मार्क्स रहेंगे 100 और ये टोटल 300 मार्क्स में से जो हाईएस्ट मार्क रहेंगे मतलब कि एट द एंड जो इंटरव्यू टेस्ट और रिटन टेस्ट पास करते हैं कैंडिडेट उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों जो आपको इस पेज पे आके पढ़ना है। मैं इन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं नहीं तो वीडियो तो फिर खत्म ही नहीं होगा। बहुत सारी डिटेल है वो आपको इस पेज पे आके पढ़ना है। जो सिलेबस है इस एग्जाम का वो भी यहाँ पर दे दिया गया है जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर है। मोटा मोटी अगर हम समझे तो सिलेबस में एक फॉरेंसिक फार्मेसी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हम देख सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्माकोग्नोसी फार्माकोलॉजी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। तो ये सारा जो सिलेबस है ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है और उसके बाद एग्जाम में अपियर होना है और डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो गए तभी आप जो इंटरव्यू रहेगा उसमें अपियर हो पाए। लास्ट डेट जो है 6 अक्टूबर तो ये नोट कर लीजिए और लास्ट डेट की राह न देखते हुए जितना जल्दी हो उतना आपको अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक जो है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर दे दी है तो आपको इस लिंक में जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो पेज अपीयर होगा उसमें रजिस्टर करना है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स है और इस जॉब में स्पेसिफिकली आपको एडिट करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। अगर कहीं पर गलती से आप कुछ चीज अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कुछ गलती हो जाती है बेसिक तो वो आप चेंज कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खोला जाएगा वो सारी डिटेल दी जाएगी आपको मेंशन की जाएगी। जैसे ही ये रिक्रूटमेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट खत्म होती है उसके बाद। और दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी डिटेल डालनी है आपको पहले पासवर्ड जनरेट करना है अप्लाई ऑनलाइन में जाके उसके बाद आपको जो बेसिक डिटेल डालनी है नेम एज एटसेट्रा एटसेट्रा और उसके बाद क्वालिफिकेशन ऐड करनी है आपके साइन आपका फोटो ये सारी चीजें उसमें अपलोड करनी है। और उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस की डिटेल से या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल से वो सारी चीजें डालने के बाद आपकी एप्लीकेशन को आपको कंफर्म करना है और उसके बाद ही ये एप्लीकेशन पूर्ण होगी और एट द एंड आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी। तो ये जो बेसिक डिटेल्स है इस जॉब की मुझे आशा है कि आप इस पेज पे आके ये सारी डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों इसके साथ ही फार्मा ट्यूटर पे बहुत सारी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जॉब हम लोग डे टू डे बेसिस पे पोस्ट करते हैं तो वो आप आके या इस पेज पे आके आपको फार्मा ट्यूटर के पेज पे जॉब के पेज पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सारी डिटेल्स समझ में आई होगी। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मिस नहीं कर सकते आप। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हम उसको आंसर करेंगे। और दोस्तों उसके साथ इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद वंदे मातरम।
To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.